कभी ऐसा हुआ है कि आप जाएं कहीं अकेले और वापस आएं एक नए फैमिली मेंबर के साथ? डोंट वरी, डोंट गेट सो एक्साइटेड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर मैरिज. मैं बात कर रही हूँ उस फील्ड की जिसमें कपल जाता तो अकेला है टू द डॉक्टर, लेकिन वापस आते हैं वो एक नए फैमिली मेंबर के साथ. हाय, माय नेम इज सीप पहुजा एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गायनेकोलॉजी एज अ फील्ड ऑफ मेडिसिन. Gynecology and obstetrics, these are two separate branches of medicine but highly interlinked. एक gynecologist वो होता है who deals with the complete reproductive health of a female starting from menarch till menopause. एक gynecologist वो होता है who deals with all the conditions related to the reproductive tract including cervix, vagina, uterus, fallopian tube of the female. He or she deals with irregular menstruation, they deal with pap smears, breast examination, they deal with endometriosis or cancer of any part of the reproductive tissue. जबकि एक obstetrician वो होता है who deals with the portion from preconception to post delivery. That means obstetrician is the one जो पूरी pregnancy की duration में एक female और fetus की health के लिए responsible होता है, prenatal as well as postnatal care. Obstetrician वो होता है जो actual में delivery surgeries perform करता है, C-section perform करेगा. He or she will be responsible for the fetal condition, also responsible for the postnatal care of the mother as well as child and dealing with postpartum depression. अब क्या ये दोनों चीज़ों के लिए अलग अलग पढ़ाई करनी पड़ती है? नो, द रूट टू बिकम अ गायनेकोलॉजिस्ट और एन ऑब्स्टेट्रिशियन और बोथ इज सेम. आपको ट्वेल्थ के बाद नीट यूजी का एग्जामिनेशन देके एमबीबीएस क्वालिफाई करना पड़ेगा. उसके बाद इंटर्नशिप के बाद यू हैव टू गो इनटू द स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन में यू कैन चूज आइदर एमडी और एमएस. इस फील्ड में दोनों चीज़ें सेम मानी जाती हैं क्योंकि आपको ओपीडी पेशेंट्स देखने का भी मौका मिलता है, सर्जरी करने का भी मौका मिलता है. एमडी या एमएस अपने आप में 3 साल की डिग्री है जिसमें आपको एक डिसेंट स्टाइपेंड मिलता है रेंजिंग फ्रॉम 60,000 टू 90,000 डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस स्टेट में हैं और किस हॉस्पिटल में कर रहे हैं. वंस यू हैव डन योर स्पेशलाइजेशन, नाउ यू विल गेट अ लाइसेंस टू वर्क एज अ गायनेकोलॉजिस्ट. जब आप एक गायनेकोलॉजिस्ट बन जाते हैं तभी आपकी चॉइस है कि आप एक ऑब्स्टेट्रिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं. इफ़ यू आर वर्किंग एज बोथ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ओबी, इन दैट केस आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा हेक्टिक होगा एज कम्पेयर टू ओनली गायनेकोलॉजिस्ट. बट येस, इफ़ यू आर कमिटेड इनाफ टूवर्ड्स दिस फील्ड देन आपके लिए ये एक जॉय है, एक मज़ा है, बिकॉज द सर्जरी, द ट्रीटमेंट्स, इट गिव्स काइंड ऑफ अ हाई. अब कुछ जगह ऐसा सोचा जाता है कि जनरली मेल्स गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बनते हैं, वो ये फील्ड को नहीं चूज़ करते हैं चाहे उनका इंटरेस्ट हो तो भी. आई वुड लाइक टू से कि येस, इन सम पार्ट ऑफ द नेशन इट इज़ कंसिडर्ड एज टाबू बिकॉज समटाइम्स फीमेल आर नॉट दैट कम्फर्टेबल इन विजिटिंग मेल गायनेकोलॉजिस्ट. बट इफ़ यू आर अ मेल एंड यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड देन यू कैन गो फॉर सुपर स्पेशलाइजेशन आफ्टर योर एमडी और एमएस. सुपर स्पेशलाइजेशन में आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स को चूज़ कर सकते हैं, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट को चूज़ कर सकते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी से डील करना सीख सकते हैं. दीज फील्ड आर हाईली ल्यूक्रेटिव, दीज फील्ड आर हाईली डिमांडिंग एंड इफ़ यू विल टॉक अबाउट द सैलरी देन स्काई इज़ द लिमिट. यहाँ पर आप जितना अर्न करना चाहें कर सकते हैं बिकॉज वंस यू स्टार्ट वर्किंग एज अ गायनेकोलॉजिस्ट यू विल स्टार्ट विद अ डिसेंट सैलरी, 60,000 टू फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सिटी इन विच यू आर वर्किंग. बट अगर आप ये वाली सुपर स्पेशलाइजेशन इसमें कर लेते हैं देन देयर इज़ लो लिमिट, 10 लैक्स, 50 लैक्स, एंड इफ़ यू गेट योर ओन हॉस्पिटल वेयर यू परफॉर्म ऑल दीज लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, इन दैट केस यू कैन अर्न इन करोड्स. बट अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूँगी कि मॉनिटरी से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए बिकॉज ये फील्ड बहुत ही ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग है और एग्जॉस्टिंग है. यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, आप ओपीडी पेशेंट्स देखने जाते हैं, आप दिन में कुछ सर्जरीज, सी सेक्शंस भी परफॉर्म कर लेते हैं. बट आपका रियल कैरेक्टर तब सामने आता है जब आपको रात के 2 बजे कॉल आती है फॉर एन इमरजेंसी डिलीवरी. तब आप उस पेशेंट को किस तरीके से डील करते हैं, दैट इज़ वॉट दिस फील्ड इज़ अबाउट. तब आपको पता चलेगा कि आप वो पोजिशन डिजर्व करते थे या फिर आपने अपने पेरेंट्स के या फिर किसी दोस्त के कहने पर ये फील्ड रखी थी. तो अपनी फील्ड उसके अकॉर्डिंग चूज़ करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है. आज के लिए इतना ही. अगर आपको ऐसी वीडियोस और पसंद आती हैं देन डू शेयर इट विद योर जूनियर्स, लाइक द सेशन एंड आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं व्हाट एल्स यू वांट टू लर्न अबाउट एनी फील्ड ऑफ मेडिसिन. थैंक यू.